नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कल भी मुझे कई बार धमकी भरे फोन आए और यह कोई प्राइवेट नंबर दर्शा रहा था, कभी इंटरनेशनल कॉल दर्शा रहा था, मोदी जी को लेकर, अमित शाह जी को लेकर, योगी जी को लेकर, और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ का जो मैंने आह्वान किया है, इन सब को लेकर उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैंने कमला नगर थाना भोपाल में FIR दर्ज कराई है। इन धमकियों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, इतना समझ में जरूर आ जाता है कि कायर लोग तिलमिलाकर भयभीत हैं, इसीलिए यह अननोन नंबर से धमकी भरे फोन कर रहे हैं। कल भी आए, कल रेगुलर कई कॉल आए, जो प्राइवेट नंबर दर्शा रहा था, कभी इंटरनेशनल कॉल दर्शा रहा था, और भयानक गालियां दी, बहुत ही गंदी गालियां, माननीय मोदी जी को लेकर के, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी को लेकर के, मुझे लेकर, और राम मंदिर निर्माण को लेकर के, और हनुमान चालीसा के पाठ का जो मैंने आह्वान किया है उसको लेकर, ये सब लेकर के उन्होंने गालियां देना शुरू किया। नहीं, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, इतना समझ में जरूर आ जाता है, ये कायर लोग दिल मिला रहे हैं, भयभीत हैं, इसलिए ये अननोन नंबर से कॉल करते हैं। क्या सामने आएंगे तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन, कार्रवाई होना चाहिए या फिर देखो, ऐसा है, सांसद हूँ इसलिए कानूनी कार्यवाही कर रही हूँ। हम एक कानून में का सम्मान करते हैं, कानून में बंधे, इसलिए उसका भी सम्मान करते हुए हमने FIR दर्ज करवाई है। पर अगर जब सामने कोई इस प्रकार से आक्रमणकारी आएगा, विधर्मी आएगा, देशद्रोही आएगा, तो एक देशभक्त का जो कर्तव्य होना चाहिए वो हम भी करेंगे। आपने दो दिन पहले बयान दिया था कि अगर इस तरह के बयानबाजी आएंगे और दूसरी पक्ष की तरफ से, तो हिंदुओं को भी सर पर उतरना पड़ेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, यही बात है वो? नहीं नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, इससे संबंधित है, लेकिन हाँ, हमारे प्रभु राम जी के मंदिर को लेकर के जो गालियां दी गई है, जो हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर के गालियां दी गई है, तो है तो विधर्मी, और ऐसा करेंगे तो हिंदू भी अब चुप नहीं रहेगा और रह भी नहीं रहा है, हिंदू भी जवाब देगा और देना भी चाहिए। तो हमारे साथ थी सांसद, तो इन्होंने बताया कि लगातार इन्हें इसके पहले भी इन्हें धमकियों का खत मिला था और इस बार फोन आए धमकी वाले। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियों से वो डरने वाले नहीं और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या प्रश्न, क्या इन धमकियों से लगता डर कहीं नहीं? देशभक्त कभी डरते नहीं है, क्रांतिकारी लोग कभी डरते नहीं है। हमने जन्म राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए लिया है और वो कर रहे हैं, ये करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को अच्छे से सद्बुद्धि दे दें तो जी पाए, और अगर नहीं जिए तो उन्हें जहाँ जाना हो जाए, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।